नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे लड़कों का रेप। सब आपको बताते हैं कि लड़कियों का रेप हुआ है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या लड़कों का भी रेप होता है। तो हाँ बाबू, लड़कों का भी रेप होता है। उसी के बारे में समझेंगे कि लड़कों का रेप, और सब वक्त समझिए कि रेप होता क्या है। समझिए कि रेप वह होता है कि अगर क्या किसी के शरीर का क्या करना और शोषण करना, यानी बोले तो मतलब कि उसके शरीर का क्या करना, मतलब कि उसके शरीर के साथ जबरदस्ती करना, उसके शरीर को क्षतिग्रस्त करना। वो कोई भी लड़की हो, मतलब समझिए लड़की की, अगर लड़की कोई है, आप उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसको गलत तरीके से छूते हैं, अब उसको पसंद ना आए। आप किसी लड़की को जबरदस्ती करके छूते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, या उसके साथ क्या करते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, वही रेप होता है। वही क्या होता है? रेप होता है। यानी कि किसी के साथ जबरदस्ती करना, उसके साथ शारीरिक जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करना, उसके शरीर का शोषण करना, ठीक, और उसको गलत गलत बातें करना, ऐसी बातें करना कि लगे कि उसका क्या है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना ही, एक प्रकार की ये भी रेप ही है, लेकिन उसके साथ मतलब जबरदस्ती बातें, गलत गलत बातें करना, अगर उसको वो बातें आप कर रहे हो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो अभी रेप के कैटेगरी में ही आता है। तो उम्मीद हो कि हम क्या कर रहे हैं आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रेप कहलाती हैं। यानी किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती ये सारी चीज़ें करना क्या कहलाता है? रेप कहलाता है। आप जनरली जानते हैं कि क्या होता है, किसी फीमेल का ही रेप होता है, कि आपको बस इतना ही बताया गया है कि किसी फीमेल का क्या किया जाता है, रेप होता है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि लड़कों का भी रेप होता है। वास्तव में लड़कों का भी रेप होता है। अभी पंजाब के जालंधर में एक लड़के का क्या किया कर दिया गया कि चार लड़कियों ने मिलकर उसका रेप कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि सर लड़कियों ने रेप कर दिया? हाँ बाबू, लड़कियों ने रेप कर दिया, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी स्थापित की। यानी कि कोई लड़का है, देखिए लड़कों का रेप कैसे होता है, कि कोई लड़का है, अगर वो किसी फीमेल के साथ, यानी क्या है कि कोई औरत है, कोई लेडीज है, उसके साथ वो क्या करता, खुश नहीं रहना चाहता, मतलब उसके साथ मतलब उससे बोलना नहीं चाहता, और लड़की जबरदस्ती है उसके साथ क्या करती है, बात करती है, गलत गलत इशारे करती है, उसे गलत तरीके से छूती है, उसके शारीरिक, अगर उसे बांध कर उसके शरीर का शोषण करती है, और बांध कर उस क्या करती है, शारीरिक संबंध बना लेती है। यानी कि किसी लड़के के साथ जबरदस्ती संबंध स्थापित कर लेना, वही लड़कों का रेप हो जाता है। जिस प्रकार लड़कियों का रेप होता है, सेम उसी प्रकार लड़कों का भी रेप होता है। उसका भी शारीरिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण करना, गलत गलत बातें कर उस लड़के का क्या करना, मानसिक दबाव देना, यह सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रेप में आ जाती हैं। एक प्रकार का ये लड़कों का भी रेप है, केवल लड़कियों का रेप नहीं होता है, लड़कों का भी रेप होता है। तो यह सारी चीज़ें होती हैं लड़कों के रेप में, कि उसके साथ जबरदस्ती करना, जबरदस्ती संबंध स्थापित करना, ठीक, यह सारी चीज़ें क्या है लड़कों के रेप में। आज के डेट में देखिए, अभी फिलहाल आपको मालूम था कि भारत में कि जो जनसंख्या आबादी थी, यानी कि 1000 लड़कों पर 945 के आलमोस्ट लगभग लड़कियाँ थीं, ये 46 के आसपास आलमोस्ट। लेकिन आज के डेट में क्या है, 1012 लड़की क्या हैं, 1000 लड़कों पर हैं, यानी लड़कों की संख्या बढ़ गई है। अब बताइए कि भारत में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, पहले अमेरिका वगैरह में देखने को मिलती थी कि लड़कों का क्या हो रहा है, रेप हो रहा है, शोषण हो रहा है, लेकिन आजकल ये भारत में भी देखने को मिल रहा है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि सर अब ऐसा क्या लड़कों का भारत में रेप हुआ है? हाँ बाबू, हुआ है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि पंजाब जालंधर क्या है लड़कों का रेप। वो लड़कों एक प्रकार का वो क्या था, कारीगर था, व्यक्ति था जो अपना ड्यूटी करता था, लड़की जब उसके साथ जबरदस्ती की, उसे पकड़ी, ले गई, उसके साथ रेप कर दी। तो आजकल तो बस लड़की सेम नहीं थी, आज देखने भारत में लड़के भी सेम नहीं, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो देखिए, तो इस प्रकार लड़कों का रेप होता है। रेप क्या होता है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेप वास्तव में होता क्या है। तो उम्मीद होगी कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा कि लड़कों का रेप किस प्रकार होता है। तो यानी शरीर का, लिख देते हैं उस बातों को कि रेप क्या होता है, शरीर का शोषण किसी लड़के के साथ
किसी लड़के के साथ जबरदस्ती, किसी लड़के के साथ संबंध स्थापित करना, स्थापित करना एक से अधिक महिलाओं का एक पुरुष के साथ क्या करना, जबरन क्या करना। देखिए ग्रुप रेप क्या होता है कि यानी सामूहिक रेप, सामूहिक रेप उसे कहते हैं कि जब लिख देते सामूहिक रेप, सामूहिक रेप, सामूहिक रेप उसे कहते हैं कि जब कोई एक लड़के के साथ, एक व्यक्ति या लड़का या मेल के साथ, लिख देते एक पुरुष के साथ, के साथ कई लड़की या महिलाएं जबरदस्ती संबंध स्थापित करती हैं तो उसे सामूहिक रेप कहते हैं। सामूहिक रेप कहते हैं, ठीक है। यानी शरीर का पूरी तरह से शोषण करना ही क्या कहलाता है, रेप के कैटेगरी में आ जाएगा। किसी को गलत गलत बातें भी कहना रेप के कैटेगरी में आता है। जरूरी नहीं कि वो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया हो या बनाई हो तो उसी को रेप कहते हैं, वो चीज़ें नहीं है। उसके साथ गलत गलत मतलब इशारे करना, उसे गलत तरीके से छूना, ये भी एक प्रकार से रेप में काउंट किया जाता है। तो उम्मीद होगी कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई होंगी तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए। अगर कोई किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट कीजिए, उस पर हम जरूर आपको वीडियो देंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ, जो कि आपको लड़कों के लिए ही रहेगा। तो चलिए धन्यवाद। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर विचार करता है या चाहे याद हो गया तो कोई बात नहीं।